पीनेयर प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक झारखंड आज अपने प्रदेश कमेटी का डेलीगेशन बना करके पांच लोगों के साथ हम लोग इस वक्त राज्यपाल महोदय से हम लोग इस वक्त मिले हैं और इसमें हम लोगों ने दो मुद्दे को जो दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। एक मुद्दा इस वक्त जो है वो झारखंड के नियोजन नीति के बारे में है, जो झारखंड सरकार जो झारखंड के मुखिया हेमंत जी के तरफ से जो आया है 60-40 का आया है, जो यहाँ के छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं रोड पे हैं, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। तो हमारी पार्टी की तरफ से सभी को सोचते हुए देश हित में झारखंड के हित में एक ऐसा तैयार किया है जो सबों के लिए फ़ायदा हो, युवाओं को फ़ायदा हो, जिसमें हम लोग 75 और 25 का हम लोगों ने रेशियो बनाया है। 75 झारखंड वासियों के लिए, 25 जो दूसरे राज्य से लोग आते प्रवासित होते हैं उन लोगों के लिए। और साथ साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से लगातार मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर्वदलीय बैठक के लिए सारे पार्टियों को बुला करके वो बैठक करें, ये भी मैंने राज्यपाल महोदय से इसका आग्रह किया है। और साथ साथ में बोकारो जिला में एक ऐसा 19 गांव है जो कई वर्षों से लगातार वो डिस्प्लेस हैं और सारी योजना 60-40 की बात हो रही है, सरकार ने तो वैकेंसी निकाल दी, वो कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम तय कर लेंगे कौन स्थानीय उस हिसाब से होगा। देखिए रिजल्ट की बात नहीं करें, लगातार ये आगे खींचने की बात हो रही है लगातार। अगर आप इस पे गंभीर होते हैं तो सभी चीज़ को सर्वे कराने के बाद लगातार आपको सोचनी चाहिए था। तो संग्रह भी किया गया, मैं दोनों की तरफ से ना कि एक किसी एक दल के लिए सोच रहा हूँ, मैं दोनों की तरफ से मैं ऐसा तैयार किया गया है कि दोनों सबसे पहले चीज सारे पार्टियों को बुला करके जितनी पार्टियां हैं उनके साथ में सदरीय बैठक करें, सारे विधायक को बुला लें, सांसद को बुला लें, हर उस पार्टी के संगठन के जो मेन अधिकारी हैं उनके साथ बुला करके इस पे विचार करें कि 75 और 25 का जो मामला हमने जो दिया है इस पे विचार करने के लिए मैंने आग्रह किया है। नहीं तो स्टूडेंट से जनमत संग्रह किया गया, सर्वे किया गया, 7-7.5 लाख छात्रों ने बताया कि 60-40 का ठीक है, फिर छात्र विरोध कर रहे हैं। सड़क पे फिर कौन है? सड़क पे इस वक्त वैसे लोग हैं जो इसको मान नहीं रहे हैं, वैसे लोग सड़क पे हैं, जो मानने वाले वो घर बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो आंदोलन की बात कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है भाजपा प्रायोजित? नहीं, देखिए मेरी तरफ से मैं यही सिर्फ मांग करने आया हूँ यहाँ पर कि दोनों सभी पार्टियों को बुलाकर सदरीय बैठक करें, वो बैठक करके इसका एक निदान निकाले, और अगर नहीं निकालते हैं तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर मुद्दा है ये, और युवा इस वक्त बहुत ही उदास होकर बैठे हुए हैं। साथ आप लोग छात्रों के साथ खड़े हैं? मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ, झारखंड के हर वो नागरिक के साथ खड़ा हूँ जिनके हक के लिए मैं इस वक्त चाहे वो मैं इस वक्त जो लगातार लाया हूँ बोकारो के जो 19 गांव हैं, 19 गांव में जो विस्थापित हैं उन सभी के लिए अस्थाई उनके पंचायत दर्जा दिलाने के लिए मैं इस वक्त महोदय लोग से मांग करके अभी हम लोग बाहर निकले हैं इस वक्त, और गुजारिश करते हैं कि उन लोगों को भी, क्योंकि वो वोट देते हैं, सिर्फ वोट का उपयोग होता है, वो सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सरकार बनने में उनका योगदान रहता है, और उन्हें सरकार की कोई भी योजनाएं का लाभ उन्हें नहीं मिलता है, तो पंचायत का दर्जा उन्हें दिया जाए। राज्यपाल से मुलाकात हुई, लिखित में आपने दिया है? हाँ, लिखित हमने ज्ञापन दिया है। आश्वासन मिला? बिल्कुल आश्वासन मिला है, वो काफी गंभीर हुए इस मैटर को लेकर के, उन्होंने कहा है कि इसकी जो बातें हैं वो दिल्ली तक पहुंचेगी। अपना परिचय दे दीजिए कमरे। मैं डॉक्टर पी नैयर, प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक झारखंड। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।